कल इस कोर्ट में मेरी काबिलियत से लेकर मेरे चरित्र तक हर चीज पर उंगली उठाई गई, क्योंकि मैं एक बड़े घर से नहीं, एक बदनाम गली सोना गाची में पैदा हूं। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि एक इंसान की पहचान वो कहाँ पैदा हुआ है उससे नहीं होती, वो कहाँ तक पहुंचता है उससे होती है। इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम नीरजा रखा, जिसका मतलब होता है कमल का फूल, जो भले ही उगता कीचड़ में है लेकिन वो चढ़ाया देवी माँ के चरणों में जाता है। लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं। मुझे भी कई बार इस बात के लिए नीचा दिखाया गया कि मैं सोना गाची में पैदा हूँ, लेकिन हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि सोना गाची के जिन बच्चों को नाजायज कहा जाता है, उन बच्चों में इन्हीं भद्र समाज का खून बहता है जो हमें गंदा कहते हैं। हमें समाज में ना कभी सम्मान इज्जत मिलती है, ना कभी सम्मान अधिकार। लेकिन आज मैंने इस केस को लड़के और अपनी दोस्त चक्री के गुनहगार को सजा दिलाकर ये साबित कर दिया कि एक इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों और उसकी नियत से होती है। उसके कर्म और उसके नियत से ही एक इंसान महान बनता है। सिर्फ इसलिए कि मैं सोना गाची से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं, हम गंदे हैं। आज ये केस लड़कर मैंने साबित किया है कि हम सोना गाची की लड़कियों को सिर्फ मर्दों को रिझाना और उन्हें फंसाना नहीं आता है, हमें पढ़ना आता है, हमें लड़ना भी आता है और हमें अपना मुकाम बनाना भी आता है। तो जितनी इज्जत भद्र समाज में रहने वाली लड़कियों की होती है, उतनी इज्जत सोना गाची की लड़की की भी होती है। अगर सोना गाची की लड़की धंधा करती है तो अपनी मर्जी से करती है, तो जो बिना मर्जी के हो वो गलत है, तो फिर वो चाहे भद्र समाज की लड़की हो उसके लिए भी गलत है और एक सोना गाची की लड़की के लिए भी गलत है। हर आदमी को ये समझना होगा कि एक लड़की चाहे कहीं से भी आती हो, किसी भी समाज की हो, उसकी एक इज्जत होती है और उसकी ना का मतलब ना होता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, हमेशा सिर्फ हमें गलत समझा जाता है और मिस्टर कौशिक बागची जैसे शरीफ लोग जो अपने शरीफ चेहरे के पीछे भेड़िया छुपाए फिरते हैं उन्हें सही समझा जाता है।